यहाँ की पार्टियां हमारे समाज उत्थान के कार्य शुरू कर दे, अन्यथा हम इनका अरगड़ा जरूर निकाल देंगे। सांसद राजकुमार रौत। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि इंसान से नफरत करना सिखाए वो धर्म नहीं है। रौत ने जाति के विभाजन में नहीं पटने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा। रौत ने यह बात मंगलवार को ओटवाला में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। रौत ने पश्चिमी राजस्थान के आदिवासियों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए उनके मुद्दों को संसद में उठाने का भरोसा भी दिलाया। वहीं कहा कि यहाँ की पार्टियाँ केवल हमारे लोगों को वोट हासिल करती हैं, बदले में हमारे समाज को ठगा जा रहा है। पार्टियाँ हमारे लोगों के उत्थान का काम करना शुरू कर दे, अन्यथा हम यहाँ भी इन पार्टियों का रगड़ा जरूर निकाल देंगे। इससे पहले दोपहर में सांसद रौत साहिला पहुंचे और अंबेडकर सर्कल पर बाबा शारकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात रथ से ओटवाला पहुंचने पर भील समाज की महिलाओं ने सौमया का स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ जालौर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रमीला मेघवाल, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम मैना सहित अन्य वरिष्ठ जन भी मंचासीन रहे। समारोह को ओटवाला सरपंच दीपाराम मेघवाल तथा एडवोकेट श्रवण कुमार भील ने संबोधित किया। इस दौरान अधिवक्ता श्रवण कुमार ने जोधपुर संभाग के आदिवासी समाज के लिए विशेष दर्जा दिलवाने की मांग सांसद रौत के सामने रखी। उन्होंने आरक्षण में क्रिमिलियर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को विस्तार से समझाते हुए जानकारी साझा की। वहीं जीतू भील जोधपुर ने जल जमीन जंगल बसाने की बात कही। समारोह में विशाला सरपंच प्रतिनिधि चतराराम राणा, भील समाज के युवा नेता नरेश राणा, अंबेडकर सेवा समिति के ब्लॉक अध्यक्ष जोईताराम बोरवाड़ा, बाबूलाल ऊंडी, कृष्णाराम एलाना, पारस राठौड़, देता गोकुलराम मोकणी, सुजेंद्र डांगी, भोलाराम राणा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ईश्वर इंडियन मेंगलवा ने किया। जंगल जमीन की बात करता है तब कुछ लोग हमारे समाज को धर्म में बांट के लड़ाने का काम कर लेते हैं, भटकाने का काम कर लेते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, जिसको जो मानना है माने, लेकिन हमारे समाज पर जबरदस्ती कोई धर्म थोपने का काम नहीं करेंगे। और हमारे समाज को अधिकार चाहिए, हमारे समाज को जल जंगल जमीन चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। धर्म तो सबकी रक्षा करता है, आपको ठेका लेने की जरूरत नहीं है किसी धर्म की, हम रक्षा करें। और धर्म प्रेम भावना सिखाता है, धर्म दया करुणा सिखाता है, धर्म नफरत नहीं सिखाता। आज देश में जो नफरत फैल रही है, अयोध्या के सांसद आए थे, मैंने पूछा अयोध्या के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ लिया आपने, राम मंदिर के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ा गया नहीं लड़ा गया? मैंने कहा तो बीजेपी अयोध्या के नाम से राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़के जीत रही है, और जहां अयोध्या राम मंदिर बना वही हार की क्या बात है? उन लोगों ने कहा कि भगवान ने यह नहीं कहा था कि किसी का रोजगार छीन लेना, किसी की जमीन छीनना, किसी का वहां पर आसियाना उजाड़ देना, ये नहीं कहता राम। वहां के ब्राह्मण कम्युनिटी के वोटों लोगों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वहां के धर्म के नाम पे इन सारे लोगों को रोजगार छीनने का काम किया था। वहां एसटी एससी ने तो नहीं दिया, लेकिन जनरल वर्ग के लोगों ने भी मतदान नहीं दिया वहां। इसलिए धर्म ने धंधा में गाड़ो थो ना कि बोलो, हालांकि मेरे तो बहुत पुतले जलते हैं, नहीं जलते हैं क्या? राजकुमार विरोधी है, लेकिन राजकुमार और हम अगर सच्चाई बोलना बंद कर देंगे, ये समाज गलत दिशा में चला जाएगा। भीलवाड़ा से शामिल करके 90% और 80% आबादी है, वहां को शामिल कर करके भीणाओं को, ग्रासियों को, शहरियों को मालूम करके है। अब कर दो सबको अलग अलग जाति वाइज, फिर जालौर और यहाँ पर भील तो 5% भी नहीं है, फिर आपका रिजर्वेशन 5% पे आकर के अटक जाएगा 12 किलो है, हमारा नुकसान होगा या फायदा? हाँ, मैं इसके लिए कोई सरकारों की तारीफ नहीं कर रहा, सरकारों की जिम्मेदारी थी भारत के संविधान के आर्टिकल 45 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान संविधान में है। अगर सरकारों ने सौते का व्यवहार न करते हुए भीलों के लिए भी शिक्षा के प्रबंध कर दिए होते तो वो भी कंपटीशन फाइट करने का लायक हो जाते और उन लोगों में भी, लेकिन वो जानबूझ करके कुछ लोगों को वंचित रखते। उन्होंने जानबूझ करके मीणाओं को आगे लाया, और जब मीणाओं ने ऐलान कर दिया कि अगर मीना घर बैठ गया तो सरकार पूरी जाम हो जाएगी, सचिवालय में हम हैं, ठीक है ना, सरकार